मॉर्निंग गाइस, आज तर्पण है और पहले मेरे पापा करते थे, पर मेरे पापा इस साल गुजर गया, सो मुझे नियम करना पड़ेगा पापा के लिए। सो आपको दिखाते हैं मैं कैसे कैसे नियम करता हूँ। मुझे उतना मालूम तो नहीं, पर मम्मी है, मम्मी सिखा देंगे। पहले मैंने पापा करते हुए देखा था, पर इस बार मुझे करना पड़ेगा। ये रहा तर्पण का, पापा का जो सामान है वो मैं पुखरी में जाके मैं मंत्र जाके दिखाऊंगा। जो हम लोग का जो मणिपुरी में कहते हैं कि पुखरी बोल। और इसमें अभी खुदाई, जो मणिपुर का ट्रेडिशनल जो खुदाई होता है वो पहनने जा रहा हूँ, क्योंकि वही पहन के नियम करते हैं। और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, मेरा खुदाई जो मैं पहन रहा हूँ यही ड्रेस पहन के नियम करते हैं। तो मैं भी ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मैं तर्पण के लिए जा रहा हूँ और ये रहा सामान जो मतलब भगवान को यानी मेरा जो पापा गुजर गया उसको चढ़ाने के लिए। मतलब ये चीज़ होता है कि जो दादा दादी जो गुजर गए, पापा भी इस साल में गुजर गए, वो उसके लिए चढ़ाने के लिए करना पड़ता है। पहले मैं इतना आ लेता हूँ, उसके बाद इसको चढ़ाते हैं। सो गाइस, मैंने अभी नियम कर लिया, जब पापा को मैंने यहाँ तर्पण कर दिया। गाइस, मैंने मैगी खरीदा है क्योंकि मम्मी खाना बनाने पे बहुत लेट कर रहा था, तो मैगी खा के मैं अभी, और मुझे कहीं जाना है मोटो ब्लॉगिंग पे, तो मैगी खा कर ही जाता हूँ, क्योंकि अगर खाने के लिए इंतज़ार करूँगा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। सो उसके लिए मुझे मैगी खा कर ही जाना पड़ेगा। गाइस, मैंने अभी क्या चीज़ परचेस किया, मैं अभी बाहर जाके दिखाता हूँ क्या चीज़ परचेस किया और उसका प्राइस कितना पड़ा, वो सब मैं बताऊँगा। और अभी पबजी बैन चल रहा है, पबजी बैन हो चुका है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज बीर मंगल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने तर्पण कर लिया, जो मेरा कुछ नियम था जो मणिपुरी का, शायद दूसरा जाति भी करते होंगे, पर मेरा घर का मतलब पहले इस साल में मेरा पिताजी गुजर गया था, जो मैंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी बस जाए 1:21, मैंने क्या चीज़ खरीदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज से मैं एक डेली लाइफ ब्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन ये मेरा मेन चैनल पे नहीं बनाऊंगा, दूसरा चैनल पे बनाऊंगा, जो मैं कम्युनिटी टैब पे मैं पोस्ट कर दूंगा। डेली लाइफ का ये है ब्लॉग्स है, वहाँ पे डेली लाइफ में दिखाऊंगा। और ये जो मेन चैनल है बोन टू फॉर, वहाँ पे ओनली फॉर मोटो ब्लॉग जो चैनल होगा। मेरा अलग थिंकिंग है, पता नहीं दूसरों का क्या थिंकिंग है, पर मेरा अलग नज़रिया है। मैं जो हूँ वही मैं दिखाता हूँ, बेकार में फोकट में दूसरों को झूठ बोल के, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है। झूठ का मतलब, झूठ पे आप कितना दिन टिकोगे, एक दिन तो पता चलेगा सस, तब क्या। हाँ वही बात है, झूठ मुझे पसंद नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरा जो न्यू चैनल है उसमें मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स डालूँगा, डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग डालूँगा, उसमें प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग ही सपोर्ट कीजिए, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो ये रहा अमर, सो मैं उसके दुकान पे जाता हूँ। हाँ
सो रहा था चलते दुकान में। और कहाँ दुकान बंद कर दिया था, चाबी कहाँ है? नहीं बैंक गया था, दुकान खुला जा सकता उठा के बैठ। और गैस मैं अभी मेरे दोस्त के दो शॉप पे पहुंच चुका हूं, अमर के दुकान में। कहूँगा आपको मैंने क्या चीज़ें परचेस किया, उस चीज़ें में राइट के बारे में आप लोग से डिस्कशन करूंगा। सो दो मिनट के बाद, अभी मैं पानी पी लेता हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। शायद आप इस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ परचेस किया है, अगर नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी सब। ये तो GoPro के साथ आया था, नहीं ये नहीं, ये वाला GoPro के साथ आया था, ये तो फ्री था। पर इसका जो मैंने परचेस किया, इसका प्राइस 199 यानी 1300 रुपये से 10 रुपये कम। और गाइस GoPro में बहुत पास चीज़ें मतलब चाहिए जो अपने GoPro से सेफ्टी के लिए जो ख्याल रखना पड़ता है यार, क्योंकि यही हम लोग का ज़िंदगी है, एक ब्लॉगर का ज़िंदगी बस यही होता है।